नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष नाहके हूँ और मेरे YouTube चैनल संतोष नाहके पर आपका स्वागत है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो उसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा जो आयकर देते हैं, और वो व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त व्यक्ति है और सांसद, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री, इन लोगों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। और जिन किसानों की ज़मीन 2 हेक्टर से ज़्यादा होगी उन किसानों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और नगर निगम के पूर्व या मौजूदा मेयर और जिला पंचायतों के मौजूदा या पूर्व चेयरपर्सन, इन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसमें मौजूदा या सेवानिवृत्त कर्मचारी, इन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पेशेवर निकायों के पास पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और वास्तुकार और उनके परिवार के लोग भी इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं होंगे। और ये योजना जो है, ये योजना, इस योजना के लिए 6,000 रुपये 3 किस्तों में उन किसानों को दिए जाएंगे जिनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि खेती किसानी की ज़मीन है। तो इससे 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा, ऐसा सरकार का मानना है। इस योजना के लिए भारत सरकार ने 75,000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है और पहली किस्त 31 मार्च से पहले जारी की जाएगी, ऐसा सरकारी दस्तावेजों के अनुसार जारी की गई है। तो इन जो है किसान, मतलब उनकी 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, भूमि है जो, तो उन किसानों को इसका लाभ मिलेगा जो BPL धारक, कार्ड धारक है और उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, ऐसे किसानों को इस योजना का भरपूर लाभ होगा। और तो भारत सरकार ने ये योजना क्यों की है कि क्योंकि उनके पास खेती के समय, बुआई के समय, खाद लेने के समय उनके पास पर्याप्त धन मात्रा नहीं होती है और वो खाद किसानी की जो है ज़रूरतें पूरा करने के लिए साहूकार के पास में जाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, तो और फिर पैसा नहीं देने के कारण वो किसान आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। तो किसानों को जो आत्महत्या के प्रति नहीं जाना चाहिए, किसानों ने आत्महत्या नहीं करना चाहिए, इसलिए इस योजना का लाभ सरकार ने सभी किसान, सीमांत छोटे किसान